ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू आप तैयारी कर रहे हो अपने जेम एग्जाम की। तो सबसे पहले हमें सोच ही लेना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा लेवल डेवलप कर लिया है। पूरा साल आपने पढ़ाई किया तो आपको कंटेंट का अच्छा नॉलेज हो गया है सब्जेक्ट का, ठीक है ना। फिर भी जो लास्ट डेज की हमारी एक हफ्ते की प्रिपरेशन है वो हमारे रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगी, और आपको अच्छा रिजल्ट आने पर आपको अपना बेस्ट ड्रीम IIT मिल सकता है। और आपके जो जो डायरेक्ट जो प्रिपरेशंस है उसको एक नई डायरेक्शन मिल सकती है। आपने जो तैयारी की है उसमें आप सबसे पहले अपने जो टॉपिक्स आपने तैयार किए हैं, मान लो कि पूरे सिलेबस के 6 टॉपिक हैं, तो आप उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टफनेस है उसमें अरेंज करो अपने लिए। जो आपका सबसे अच्छा लाइक टॉपिक है उसको सबसे पहले रखो, जो वीक टॉपिक है उसको लास्ट पे रखो तैयारी करने के लिए। ओके, उसमें से भी अगर आपको लगता है कि 10-20% टॉपिक ऐसे हैं कि जो पढ़े भी नहीं है और पढ़े तो टफ भी लगे, तो उनको आप बिल्कुल छोड़ दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो उसमें भी कोई रेयर क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही रिमोट टाइप के होते हैं उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि उनमें आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे आएगा। नॉर्मल एवरेज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से आते हैं, और IIT के प्रोफेसर ज्यादातर बेसिक टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उन्हीं की तैयारी करिए और वेरी टफ को छोड़ दीजिए। सो द स्ट्रेटजी ऑफ JEE 21 एग्जाम, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी, मतलब आप जब एग्जाम का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं उस समय आपको क्या स्ट्रेटजी लेनी है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम MSQ और NET में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसमें जितना भी आपको आता है आप अटेम्प्ट करो, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं है, पर आपकी मैक्सिमम नॉलेज वहाँ काम आ जानी चाहिए। उसके बाद हम MCQ पे आते हैं। MCQ 1 to 10 में आपका 0.00 नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, तो अगर 50% आपने सही भी कर दिया, 50% क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपके तो मार्क्स कट के बराबर हो जाएंगे। और MCQ 11 to 30 वेरी डेंजरस, वेरी रिस्की, क्योंकि आपका 0.66 नेगेटिव मार्किंग जा रहा है गलत क्वेश्चन के ऊपर, तो आप जितना गेन कर रहे हो 1 to 10 में उतना यहाँ लूज ही कर दोगे आराम से, और फिर आपका टोटल स्कोर ही कम हो जाएगा, आपका सारा का सारा रिजल्ट ही बेकार हो जाएगा। तो आप 11 to 30 के बारे में बहुत केयरफुल रहो, आपको जहां लगता है बिल्कुल ही सही है बस वही अटेम्प्ट करो, और जहां जरा सा भी डाउट हो उसको छोड़ ही दो, सो दैट विल हेल्प यू। अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट्स इसीलिए उनका स्कोर खराब होता है क्योंकि वो 11 to 30 में ज्यादा गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपका वर्चुअल कैलकुलेटर है जो आप NATs में भी काम में लेते हैं और अदरवाइज भी लेते हैं, MCQ MSQ में जो भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना ही नहीं आता है। अगर उनको यूज नहीं करना आता तो दे आर हेल्पलेस। उसके प्रैक्टिस अभी से कर लो, अगर एक हफ्ता भी आपने अभी से प्रैक्टिस किया तो आप वहाँ कंफर्टेबल होकर अटेम्प्ट कर पाओगे चीजों को, और साथ के साथ जो आपके आंसर आपके करते जाए उसको फाइनल करते जाना, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके मत छोड़ना। ओके, जब आप अपने तैयारी कर रहे हैं तो आपको एवरीडे क्या करना है, इस समय आपका एक दिन का जो प्लान रहेगा उसमें नंबर 1 आपको फुल सिलेबस टेस्ट पेपर पूरा एक दिन है, एक दिन में एक पेपर पूरे सिलेबस का, उसमें आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे, लेकिन आपके पूरा सिलेबस आपकी आंखों के सामने से भी निकल जाएगा, आपका दिमाग भी उस पर काम करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद एक दिन के लिए एक टॉपिक आप तैयार करोगे, फुल टॉपिक, अगर 6 टॉपिक्स हैं तो 1 टॉपिक फुल तैयार करेंगे, उसमें सब कुछ थ्योरी भी पढ़िए, थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी देखिए, उसमें 3-4 घंटे दीजिए। ओके, उसमें कोई जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो आपने पहले हाईलाइट कर रखे हैं उसमें कोई डाउट है उसको इमिजिएटली सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद एट द एंड टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर करिए, जो टॉपिक आपने आज तैयार किया उसी का ही टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर तैयार करो, कम से कम 80 to 100 क्वेश्चन तक उसके अटेम्प्ट करो, उसमें 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है आपका उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ओके, सो फुल टेस्ट पेपर, देन थ्योरी, देन टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर।
आप प्रिपेयर करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को जो कि जैम एस्पिरेंट्स हैं, आईआईटी जैम 2021 के एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर वेरी गुड प्रिपरेशन ऑफ दिस फ्यू डेज, क्योंकि इनसे आपका पूरा का पूरा मेरिट चेंज होने वाला है, आप हायर मेरिट में आने वाले हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वेरी वेरी गुड प्रिपरेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। ओके, थैंक यू।